एक लड़का एक लड़की को डेट पर ले जाने के लिए मिला। इन दोनों में झगड़ा हो गया और ये रोकने के लिए दो पुलिस आए। आज रात एक इंसिडेंट की वजह से इन चारों की लाइफ बदल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइफ फ्लैश इन 1997 की एक फ्रेंच मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम इजाबेल को लेबर में देख सकते हैं। उसकी मदर उसे हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प कर रही थी। उस वक्त 1970 में पूरी कंट्री बंद थी, बहुत रात हो चुकी थी, पर फिर भी एक बस वालों को उसने रोक लिया। वो ज़बरदस्ती उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। हॉस्पिटल ले जाने में भी और ही लेट हो चुके थे, तो इसी वजह से इजाबेल की डिलीवरी इसी बस में हो जाती है। उसे जो बेटा हुआ उसका नाम है विक्टर। ये किस्सा बहुत ही फेमस हो गया था। बस में डिलीवरी हुई तो इस वजह से इजाबेल और विक्टर को पूरी ज़िंदगी का बस का फ्री का पास दे दिया जाता है। इसके बाद मूवी में 20 साल बीत चुके हैं। जिस स्ट्रीट पर विक्टर पॉर्न हुआ था, यहीं पर पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम वो करता है। आज रात वो जल्दी से रेडी हुआ और एलिना से मिलने के लिए जा रहा है। एक्चुअली एलिना से एक वीक पहले फर्स्ट टाइम वो बार में मिला था, वहीं पर ये दोनों इंटीमेट हो गए थे। आज रात इन्होंने डिसाइड किया है कि फिर से डेट पर मिलेंगे, तो इसीलिए विक्टर उसके पास जा रहा था। इसी के पैरेलल में हम दो पुलिस ऑफिसर देखते हैं। एक का नाम है डेविड, दूसरे का नाम है सैंचो। सैंचो आज बहुत ही डिस्टर्ब था। वो ड्राइव करते हुए ड्रिंक भी करता है। कहता है, मेरी वाइफ मुझ पर चीट कर रही है। उसने उसकी वाइफ को बहुत मारा था, तो इसलिए उसे कॉल करके सॉरी कहता है। अपने पार्टनर डेविड से बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि उसे अपनी वाइफ को मार देना चाहिए, पर इसके अलावा जिसके साथ वो है उस आदमी को भी वो मार सकता है। डेविड कहता है कि इस तरह की कोई भी बात मत करो। इसके बाद विक्टर एलिना के घर के बाहर आया, उसे वो कॉल लगाता है। एलिना की कोई डेट है इसके बारे में पूरी तरीके से भूल चुकी थी। आज उसका ड्रग्स करने का प्लान था और ये ड्रग्स लाने के लिए एक आदमी उसके पास आने वाला था। वो विक्टर से कहती है कि हम किसी और टाइम पर जाएंगे। विक्टर बेचारा डिसअपॉइंटेड हो गया। वो बस में चढ़कर पूरी सिटी घूम कर आता है। इसके बाद वो फिर से एलिना के घर पर पहुंचा। नीचे से उसने बेल बजाई तो एलिना को लगा कि उसे जो ड्रग्स देने के लिए फ्रेंड आने वाला था शायद ये वही होगा, तो डोर ओपन कर लेती है। विक्टर ऊपर आ गया। एलिना उसे देखकर सरप्राइज हो गई, पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। विक्टर कहता है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तू मुझे डेट क्यों नहीं करना चाहती है? तो हम दोनों इंटीमेट हुए थे, सब कुछ ठीक था। एलिना उसे जाने के लिए कहती है, पर वो कुछ भी मान नहीं रहा था। वो फिर डायरेक्टली गन लेकर आई, उसे निकल जाने के लिए कहती है। ये गन विक्टर ने उसे छीनने की कोशिश की, ये नीचे गिरी और एक फायर शॉट हुआ। बिल्डिंग की एक लेडी ये आवाज़ सुनती है और पुलिस को कॉल कर देती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डेविड और साचो ही पहुंचे। बाहर की खिड़की से ही ये दोनों देखते हैं कि विक्टर और एलिना एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। ये दोनों शांत हुए और विक्टर यहाँ से जा रहा था, तभी इन दोनों पुलिस ऑफिसर को देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। डेविड और सांचो भी घर में आ गए तो विक्टर गन एलिना को लगा देता है। कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं इसे मार दूंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। एलिना जाती तो सब कुछ सच बता सकती थी, पर वो कुछ भी बताती नहीं। डेविड विक्टर से कहता है, गन नीचे रख दो और एलिना को मुझे दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिना यहाँ से बाहर चली गई और विक्टर गन रख रहा था, तभी डेविड और विक्टर इन दोनों में स्ट्रगल स्टार्ट होता है। विक्टर के हाथ में गन थी जो डेविड छीन रहा था। सांचो किसी को भी शूट नहीं कर पाया। अचानक से गोली चली और ये डेविड को लगी थी। इसके बाद विक्टर को अरेस्ट कर लिया गया, उसे 4 साल की सजा हुई थी। विक्टर के पैर पर गोली लगी तो इस वजह से वो पैरालाइज्ड हो गया, पर फिर भी उसने लाइफ में हार नहीं मानी। पैरालाइज्ड लोगों का वो बास्केटबॉल खेलने लग गया। 4 सालों में अब नेशनल चैंपियन बन चुका है। उस रात एलिना और डेविड ने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा, पर उन दोनों में बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन था। 4 सालों में इन्होंने शादी कर ली है। विक्टर को जेल में लगता है डेविड की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। उसे एलिना और डेविड से बदला लेना था। जेल से जब वो बाहर आया तो उतने टाइम में उसकी मदर की डेथ हो गई थी। अपने मदर के ही मेमोरियल पर जब वो पहुँचता है तो वह एलिना के फादर की डेथ हुई थी। वो कॉन्फिडेंटली उसके पास जाकर कहता है कि ये बुरा हुआ। वो एलिना के बारे में और भी जानना चाहता था। एक फूल के कार्ड से उसे पता चला कि वो एनजीओ में काम करती है। यहीं पर विक्टर हमारी और एक मेन कैरेक्टर से मिलता है, इसका नाम है क्लारा। ये दोनों बात करने लग गए और विक्टर ने क्लारा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है एलिना और डेविड खुश है? क्लारा कहती कि मैं एलिना को इतना जानती नहीं, पर वो डेविड की फ्रेंड है, उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। विक्टर क्लारा को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए घर पर इन्वाइट करता है। क्लारा भी इसके लिए मान गई। वो जब विक्टर के घर पर पहुंचे तो बहुत टाइम से यहाँ कोई भी रह नहीं रहा था, इस वजह से ये घर बहुत ही बर्बाद पड़ा था। ये सब देखकर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। विक्टर उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो चली गई। कहती है कि मैं बाद में आऊँगी।
आज जो भी हुआ इसके बारे में एलिना डेविड से बात करती है। डेविड इस बात से डिस्टर्ब हो गया। वो कहता है हमें पुलिस को यह सब बात बता देनी चाहिए, विक्टर एक साइकोपैथ है। एलिना कहती है हम ऐसा कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, वो सिर्फ मुझे कंडोलेंसेस देने के लिए आया हुआ था। डेविड कहता है शायद वो तुम्हारा पीछा कर रहा था। अगले दिन विक्टर एलिना जहाँ काम करती है वहाँ पर पहुँच गया। उसे देखकर वो फिर से घर चला जाता है। घर पर उसे डेविड मिलने के लिए आया। वो उसे वार्न करता है कि तुम एलिना से दूर रहोगे वरना मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूंगा। विक्टर उसका मजाक लेता है, कहता है इस हालत में तुम क्या कर सकते हो। एक दूसरे को हेट करते हैं पर फुटबॉल का मैच चल रहा था, इसमें गोल हुआ तो इन दोनों ने इस पर चीयर किया। डेविड का गुस्सा शांत हुआ। वो कहता है मुझे तुम्हें सिर्फ वार्न करना था, वो मैंने अब कर दिया है। यह कहकर वो चला गया। व्हीलचेयर से अपनी कार तक पहुंचने में डेविड को बहुत सारा टाइम लगता है, तो इसी दरमियान उसने क्लारा को विक्टर के साथ नोटिस किया। विक्टर के पास ज्यादा कोई सामान नहीं था तो उसके लिए बेड लेकर आई थी। विक्टर क्लारा को उसके सब रिपोर्ट्स दिखाता है, कहता है मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ, यानी कि उसके साथ वो इंटीमेट हो सकता है। क्लारा भी मान गई और ये इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब डेविड बाहर से नोटिस करता है। इंटीमेट होने के बाद विक्टर क्लारा से कहता है मुझे वर्ल्ड का बेस्ट लवर बनना है। क्लारा कहती है तुम्हें फिर बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तुम आज मेरे साथ जेंटल नहीं थे, एक दूसरे से प्यार करते वक्त इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, यही तुम्हारा फर्स्ट लेसन है। अगले दिन जब एलिना अपने काम पर गई तो वहाँ विक्टर ने वॉलंटियर किया था। वो उसे अपने ऑफिस में बुला लेती है, कहती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। विक्टर कहता है कि हम एक ही सिटी में रहते हैं, हम एक दूसरे से तो मिल ही सकते हैं। विक्टर ने जेल में अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया था तो यहाँ काम करने से उसे कोई भी नहीं रोकेगा। वो कहता है कि जो भी हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। एलिना भी ये बात समझ लेती है, वैसे भी बिना किसी रीजन के उसे यहाँ से निकाल नहीं सकती। डेविड विक्टर और क्लारा पर नजर रख रहा था। जब ये दोनों इंटीमेट हुए तो उसने फोटो निकाल ली। उसने ऐसा क्यों किया तो इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअल में क्लारा ये डेविड के ओल्ड पार्टनर सांजो की वाइफ है। क्लारा और सांजो में हमेशा से प्रॉब्लम चलते आ रहे हैं। सांजो क्लारा को मारता भी है। इनमें कोई भी रियल रिलेशनशिप नहीं, तो इसी वजह से क्लारा सांजो से डिवोर्स चाहती है। सांजो देने के लिए उसे रेडी नहीं। वो कहता है जब तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। हमने रिलेशनशिप को बचाने के लिए और सब कुछ करने के लिए रेडी है। सांजो को सबसे बड़ा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, यही क्लारा को अच्छा नहीं लगता, तो ये सॉल्व करने के लिए और डॉक्टर के पास भी जाने के लिए अब रेडी था। नेक्स्ट डे डेविड विक्टर का पीछा करता है। उसे पता चला कि विक्टर एलिना के साथ ही काम कर रहा है। इसी के बारे में उसने एलिना से बात की। एलिना कहती है विदाउट एनी रीजन में उसे निकाल नहीं सकती। डेविड इस बात से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वो विक्टर से अकेले में बात करता है। उसने उसे कहा मेरी पूरी लाइफ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। विक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। डेविड मानता नहीं, तो उस रात जिस तरीके से इनकी फाइट हुई थी उसी तरीके से विक्टर उसे फिर से झगड़ता है। कहता है मैं एक्चुअल में तुम्हें मार ही नहीं सकता था, तुम पर गोली सांचो ने चलाई थी, तुम्हारा क्लारा के साथ अफेयर था तो इसका ही बदला उसने लिया है। इसका मतलब है मूवी के फर्स्ट में सांचो बता रहा था क्लारा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है या फिर डेविड के साथ ही था। सांचो ने बदला लेने के लिए डेविड पर गोली चलाई थी। ये सब कुछ अब डेविड को पता चला, उसे बहुत बुरा लगता है। एलिना डेविड और विक्टर इन दोनों से तंग आ गई थी। एलिना ने डिसाइड किया और अपना खुद का ट्रांसफर करवा लेती है क्योंकि डेविड नहीं चाहता कि वो विक्टर से मिले। जो भी सब हुआ इस वजह से डेविड और एलिना बहुत डिस्टर्ब थे। डेविड एलिना को उसके और क्लारा के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। इससे एलिना को बहुत ही चीटेड महसूस हुआ, गुस्से में यहाँ से चली जाती है। रात में वो विक्टर से मिली। उसे कहती है कि मुझे डेविड ने सब कुछ बताया, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी फिर भी जेल में जाना पड़ा। विक्टर कहता है कि मैं भी बहुत ही गुस्सा था, मैं जब वापस आया तो मुझे सिर्फ तुमसे रिवेंज लेना था, मेरा प्लान भी बहुत ही स्टूपिड था, मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा, फिर तुम मुझसे प्यार करने लगोगी, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो अपने खुद के प्लान पर ही हंसता है। एलिना इस बात से अनकम्फर्टेबल होकर यहाँ से चली जाती है। अब वो इस सिटी में नहीं तो विक्टर उसे भुलाने के लिए एक रियल जॉब ले लेता है। दिन भर बहुत मेहनत करता है, आजकल वो बहुत ही बिजी है, तो एक दिन उसने डिसाइड किया क्लारा के साथ वो ब्रेकअप कर लिया। इसके बारे में उसे बात करता है पर क्लारा अब तक विक्टर से प्यार करने लग गई थी। उसे कहती है ये प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो, तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो ये भी ठीक है पर प्लीज़ मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से मत निकालो। वो बेचारी अपसेट होकर यहाँ से चली गई। एक रात अचानक से एलिना विक्टर से मिलने के लिए आती है। डेविड ने उसे हर्ट किया था तो इसी वजह से विक्टर के साथ इंटीमेट हो गई। सुबह वो फिर से घर आई, डेविड उसे देखकर खुश था। वो उसके पास आता है और इंटीमेट होना चाहता था पर एलिना कहती है कि वे रात भर विक्टर के साथ थे। इस बात से वो गुस्सा हो गया
कुछ चीजें तोड़कर अपने रूम में चला जाता है। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं क्लारा अब सांजो से पूरी तरीके से तंग आ चुकी थी, उसके साथ नहीं रहना चाहती है। अपना सब कुछ सामान पैक कर वो घर से निकल रही थी। सांजो उसे निकल लेने देता तो गुस्सा हो गई और डायरेक्टली गन लेकर आई। उस पर उसने गोली चलाई और यहाँ से वो चली जाती है। ये गोली सिर्फ सांजो को छूकर चली गई थी, वो सीरियसली हर्ट नहीं हुआ। अगर अब हम सिचुएशन देखें तो विक्टर की वजह से डेविड और सांजो ये दोनों हर्ट है। डेविड डिसाइड करता है कि वो विक्टर से बदला लेगा, तो इसी वजह से क्लारा और विक्टर के जो भी सब फोटोज थे ये उसने जाकर सांजो को दिखाए। एलिना को पता चला कि डेविड सांजो के पास गया है। डेविड के जाने के बाद उसका रूम वो चेक करती है तो उसे विक्टर और क्लारा के फोटोज दिखे। एलिना को भी सब सिचुएशन पता चल गई थी। डेविड ने जाकर सांजो को जब फोटोज दिखाए तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, वो डायरेक्टली जाकर विक्टर को मार डालना चाहता था। क्लारा अपना सब सामान लेकर विक्टर के घर पर पहुंची थी। विक्टर घर पर नहीं तो उसे लेटर लिखती है। वो कहती है कि जब तुम्हें पढ़ रहे होंगे तो शायद सांजो ने मुझे मार दिया है या मैं भाग रही हो, तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारे लिए मैं कुछ पैसे छोड़कर जा रही हूँ। यही लेटर लिखते लिखते वहां पर सांजो पहुंच गया। इन दोनों के हाथ में गन थी। क्लारा कहती है कि विक्टर अब यहाँ नहीं है। सांजो कहता है कि अब क्या होगा, क्या हम दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। क्लारा कहती कि ये सब तुम पर डिपेंड है। अचानक से घर पर विक्टर पहुंच जाता है, अगर सांजो से देखता तो मार डालता, इसी वजह से क्लारा ने सांजो को शूट किया। सांजो भी शूट करता है और ये दोनों इंजोर हो गए। सांजो अभी भी थोड़ा जिंदा था। वो विक्टर को देखकर कहता है उस रात मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। सांजो क्लारा से बहुत प्यार करता था तो उसके मरने के बाद खुद जीना नहीं चाहता, उसने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद एलिना और डेविड एक साथ नहीं थे। कुछ टाइम गुजर चुका है तो डेविड उसे लेटर लिखता है। उसने लिखा कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया होगा, जब भी तुम मेरे साथ थे तो कभी भी खुश नहीं थे, मेरे साथ होकर भी अकेली पड़ चुके थे। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एलिना और विक्टर ये दोनों एक साथ है। एलिना विक्टर से प्रेग्नेंट है और ये दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे। जिस तरीके से मूवी स्टार्ट हुई थी विक्टर के बर्थ से, उसी तरीके से अब विक्टर के बेटे की बर्थ पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी के सब कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी थे, पर फिर भी एलिना और विक्टर एक दूसरे के साथ है। इस मूवी का एक बहुत ही रैंडम एंड था।